ready. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडियास T20 क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं, ऑलरेडी हमारी T20 सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आपको UPSC प्रीलिम्स 2020 के लिए जो टॉप MCQs हैं वो करा रहे हैं। तो आज आपकी जो क्लास रहेगी वो पॉलिटी रिलेटेड क्लास रहेगी। पॉलिटी की ये सेकेंड क्लास होगी आपकी। जो आपकी पॉलिटी की फर्स्ट क्लास हुई थी वो 20th of March को हुई थी, उस क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। प्रॉब्लम आने का रीज़न मैंने आपको बताया था, क्योंकि घर से क्लासेस लेनी पड़ रही थी, इंटरनेट जो है वो थोड़ा स्लो था, पर आज ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आप सब जानते हो, पहले हम जो है डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस तरह से जाना है। वैसे तो आपको पता चल गया होगा अभी तक, क्योंकि आपकी काफ़ी सारी क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो प्रोसेस ये रहेगा कि आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आएगा, आपने वीडियो क्वेश्चन देखने के बाद, जब मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा दूंगा, आपकी स्क्रीन्स के ऊपर एक टाइमर चलेगा, 20 सेकेंड्स का वो टाइमर होगा। उस 20 सेकेंड्स में आपको आंसर करना है, ठीक है, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि आपका क्या स्कोर रहता है। ऑलराइट, तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा। और इससे पहले हम क्लास स्टार्ट करें, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे अब घर पे बैठे हो, सब लोग लॉकडाउन है, हमें सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, कहीं बाहर नहीं आ जा सकते, कहीं मॉल में नहीं जाना, कहीं डिस्को में नहीं जाना, किसी दोस्त से भी मिलने नहीं जाना, सो वी हैव एम्पल टाइम। बहुत अच्छी बात है, अब तैयारी के बीच में कोई भी जो है बाधा नहीं बनेगा। ठीक है, तो तैयारी करने के लिए अभिपीडिया जो है वो आपके लिए माइक्रो कोर्सेज लेकर आता है। ठीक है, माइक्रो कोर्सेज में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ कि आपका कल्चर वाला पार्ट जो है वो पुअर है। ठीक है, अब कल्चर वाले पार्ट में भी आपका पूरा कल्चर पुअर नहीं है, कल्चर वाले पार्ट में भी आपका सिर्फ डांसेस वाला पार्ट जो है वो पुअर है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, लिंक में आपके पास डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है इस वीडियो के, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आप अभिपीडिया का जो है पोर्टल खोलोगे, उस पर आपको माइक्रो कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, जिस पर आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक टॉपिक्स को परचेज कर सकते हो कि भैया मुझे कल्चर तो आता है पूरा, बस मुझे डांसेज में प्रॉब्लम है, तो सिर्फ आप डांस परचेज कर लो। सेम इज विद पॉलिटी, कि पॉलिटी मुझे वैसे तो आता है, मुझे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, जो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं फटाफट से, और सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया ही है। अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन अ पर्सन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो आपका सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसके हिसाब से बंदा जो है वो किस तरह से सिटीजन बन सकता है हिंदुस्तान का, बड़ा ही आसान सवाल है। ठीक है, अभी और मैं शायद आपको बताना भूल गया, आज जो हमारा एरिया ऑफ फोकस रहेगा उसमें हम सिटीजनशिप की बात करेंगे, सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, और जब हम सिटीजनशिप से रिलेटेड जब हम क्वेश्चन देखेंगे, तब हम कुछ क्वेश्चन जो है आपके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इनफैक्ट अभी भी न्यूज़ में है, उसमें से भी देखेंगे, और साथ ही साथ हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जो आपका पार्ट आता है, ठीक है, जो आपका पार्ट वन जो है वो आ जाता है उसमें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आज जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आसान सा सवाल है, ऑप्शंस आ गए हैं ये 1, 2, 3, 4, इनमें से किस तरह से जो है भारत का नागरिक बन सकता है एक व्यक्ति, तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं ए बी सी डी में से, और आपके 20 सेकेंड शुरू होते हैं अब। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए, 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपको इसका आंसर करना है। ओके, टाइम अप। अब देख लेते हैं सिटीजनशिप एक्ट में किस तरह से जो है एक बंदा नागरिक बन सकता है। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं कि क्या पांचों हैं या कौन सा इसका आंसर है। देखो, अब इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका कई सही जवाब है, एंड ऑप्शन नंबर सी इज योर 1, 2, 3 and 5, दैट इज बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, तो बाय बर्थ आ गया कि जन्म के आधार पे आपको नागरिकता मिलेगी, अगर यहाँ पर किसी का जन्म हो रहा है तो उसको जन्म के आधार पर मिल जाएगी, डिसेंट के आधार पर मिल जाएगी, किसी के माता पिता जो है हिंदुस्तान के सिटीजनशिप है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर मिल जाएगी, इसमें टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक अगर कोई रह रहा है तो वो रजिस्टर कर सकता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के आधार पर मिल जाएगी। इनकॉर्पोरेशन के ऑफ टेरिटरी को ऐसे समझो, अगर कल इंडिया ने पाकिस्तान के साथ युद्ध कर दिया और पाकिस्तान को इंडिया ने इंडिया में ही मिला लिया, ठीक है, तो जो पाकिस्तान के सारे नागरिक हैं वो हिंदुस्तान के नागरिक बन जाएंगे ऑटोमेटिक।
टेक्निकली, अगर हिंदुस्तान की सरकार ऐसा चाहे तो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से भी ये हो सकता है। जैसे हमने अभी जब 2015 में बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें हमने कुछ इनक्लेव्स जो हैं, कुछ कंक्लेव्स उनके हमारे टेरिटरी में इंक्लूड करे थे और कुछ कंक्लेव्स हमारे जो थे वो बांग्लादेश को दे दिए थे, तो वो सिटीजनशिप भी फिर हमने उन लोगों को दी, ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी भी आ गया। लेकिन कहीं पर भी सिटीजनशिप एक्ट में ये बाय नेशनलाइजेशन वर्ड कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट में एक वर्ड जो है मेंशन, वो क्या है, वो है नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो यहां से बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती थी नेशनलाइजेशन और नेचुरलाइजेशन में, तो वो आपको नहीं करनी है। यहां पर नेचुरलाइजेशन है, नेचुरलाइजेशन, नॉट नेशनलाइजेशन, इसलिए आपका आंसर जो है 4 नहीं होगा। लेकिन इस तरह के जो सवाल होते हैं, होते तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जाम के प्रेशर में और जल्दी जल्दी में थोड़ा सा मिसजज हो जाता है। और ये वही वाले क्वेश्चन होते हैं जैसे अतुल सर भी कह रहे थे कि हाँ, जिसको बच्चा पेपर देकर जब बाहर निकलता है और दोबारा खुद से पेपर देखता है और वो अपने माथे पर हाथ लगा लेता है कि भैया ये मैं क्या कराया, ठीक है। चलो अब देखो कि मार्क्स जो है सारे साथ साथ नोट करते रहना अपने, किसको 2 मिल रहा है, किसको 0.067 मिल रहा है और किसको 0.67 मिल रहा है और किसको जो है 0 मार्क्स मिल रहे हैं जिसने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, स्किप भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, सिटीजनशिप से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। एक तरफ आपको प्रोविजंस गिवन है जो सिटीजनशिप से पर्टेन करते हैं और दूसरी तरफ आपको आर्टिकल गिवन है कि कौन से आर्टिकल का ये जो है प्रोविजंस पार्ट है। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, वैसे ही पर्सन वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, तो ये आपको मैच करना है। और आपके ऑप्शन हैं ये ए बी सी डी, ठीक है। तो टाइम शुरू करें, तैयार हैं सब लोग, 20 सेकंड मैंने आपको देखो कम टाइम दिया है, एग्जाम में इससे ज़्यादा टाइम होता है, आई एग्री, पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम फास्ट चलाना चाहते हैं। ऑल राइट, चलिए तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। रुको, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द स्टॉपवॉच, अब स्टार्ट हो गया। चलो जल्दी से आंसर करो इसका। आर्टिकल 5 गिवन है और ऑप्शन 4 है, ठीक है, तो एक आर्टिकल एक्स्ट्रा है, एक आर्टिकल एक्स्ट्रा है। ओके, टाइम अप। चलो तो अब देखें इसका आंसर क्या है, सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन डी में हमारे पास क्या क्या था, ऑप्शन डी में अगर आप देखो, ऑप्शन डी कहता है ए का 3, ठीक है, ऑप्शन डी आंसर है ए का 3, यानी कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ सर्टन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पार्टीशन के समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए उनके लिए कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 6 में उसके लिए प्रोविजन रखे गए हैं, ठीक है। ये वाले जो सवाल है ना, 5 से 11 आर्टिकल के जो मेनली सवाल हैं, या 5 से 10 स्पेसिफिकली, 11 में फिर भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 5 से 10 जो सवाल है ना, ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल सवाल है और इनमें से सवाल अब पूछे जाते नहीं है। इसी तरह के मैच द फॉलोइंग के सवाल पूछे जाने के चांसेस हैं, ज्यादा उसमें डिटेल में सवाल ना बनते हैं और ना पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैच द फॉलोइंग ही आएगा, तो इस तरह से याद कर लो, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे जो ये 5 से 10 जो आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स में बहुत सी डेट मेंशनड है, 5 मार्च, इससे पहले, उससे पहले, वो सारी याद करने की जरूरत नहीं है, टू बी वेरी क्लियर विद यू ऑल। ओके, बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भैया आर्टिकल 6 में बात की गई है कि कौन इंडिया से पाकिस्तान आया तो उसको कैसे सिटीजनशिप देनी है। फिर बी का कहता है 5, बी का 5 माने कि पर्सन वॉलेंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 9 में बोल दिया गया, आर्टिकल 9 में क्या बोल दिया कि अगर कोई बंदा हिंदुस्तानी सिटीजन बाहर की किसी देश की नागरिकता को एक्सेप्ट कर लेता है, सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लेता है वॉलेंटरीली, तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी, उसकी इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बंदा जाके यूएस की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ले तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली जो है वो सस्पेंड हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन सी क्या कहता है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये आर्टिकल 5 में लिख दिया कि सिटीजनशिप का क्या प्रोसेस होगा जब संविधान जो है आपका लागू में आएगा। और ऑप्शन डी क्या कहता है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए, वो लिख दिया आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 6 में जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए माइग्रेट होके, और आर्टिकल 7 में जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए, ठीक है, जो वापस आना चाहते थे, या वो सब इसमें बातें हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, टू बी फ्रैंक
नहीं आता उस पे सवाल, ये बेसिक आइडिया इसमें लगा लोगे तो सफिशिएंट है। ऑल राइट, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एलियंस डू नॉट इंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अच्छा, एनिमी एलियंस डू नॉट इंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ठीक है, चलिए टाइम शुरू हो गया, अब जल्दी से आंसर करो इसका। और सबसे पहले, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कीवर्ड को अंडरलाइन कर लिया करो। इसमें कीवर्ड क्या है? करेक्ट। ठीक है, अगर इनकरेक्ट होता तो सिनेरियो चेंज हो जाता। अभी क्या है? कीवर्ड करेक्ट। ऑल राइट, चलो ओके, टाइम अप। अब आंसर देखते हैं पहले इसका। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में अब हमारे पास क्या क्या था वो देख लो। ऑप्शन ए में था आपका 1 और 2, मतलब कि पहले दो ठीक हैं। एलियंस डू नॉट इंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स तो नहीं इंजॉय करते, जैसे आपका जो रिजर्वेशन के राइट्स हैं वो थोड़ी एलियंस इंजॉय करते हैं। तो बिल्कुल सही है, सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं इंजॉय करते, कुछ राइट्स इंजॉय करते हैं, कुछ नहीं इंजॉय करते। जैसे आपके जो कल्चरल राइट्स हैं या जो रिलीजियस, जो आपका आर्टिकल 2930 है वो सिर्फ आपके इंडियंस जो है वो इंजॉय करते हैं, आपका आर्टिकल 15 जो है वो सिर्फ इंडियंस इंजॉय करते हैं, आपका आर्टिकल 16 सिर्फ इंडियन सिटीजंस इंजॉय करते हैं, वो सारे राइट्स जो है फॉरेनर्स को नहीं मिले हुए। सिमिलरली आपका जो राइट टू एजुकेशन है वो हिंदुस्तानी और फॉरेनर जो एलियन है वो दोनों इंजॉय करेंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि भैया एनिमी एलियंस डू नॉट इंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, एनिमी एलियंस जो होते हैं उनको ये बिल्कुल सही है, एनिमी एलियंस जो है वो इंजॉय नहीं करते अरेस्ट और डिटेंशन, क्योंकि वो एक तो एनिमी कंट्री है। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान में अगर कोई नेचुरलाइजेशन के थ्रू भी प्रेसिडेंट सिटीजनशिप मिल रही है किसी को, तो वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है। ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये केस कहां पर है? ये केस है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसा है कि जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ जन्म के आधार पर बन सकता है, अगर जन्म के आधार पर उसके पास नागरिकता है। फॉर एग्जाम्पल, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बाय बर्थ एक सिटीजन है अमेरिका का। ठीक है, मतलब कि उसका जन्म अमेरिका की धरती पे हुआ था। ऑलराइट, अब कोई मेक्सिको में जिसका जन्म हुआ है लेकिन अभी उसके पास यूएस की सिटीजनशिप है, तो वो प्रेसिडेंट बन नहीं सकता, दो वो यूएस का नागरिक है लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ऑलराइट, तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। अब अगर आपको देखो यहां पर एलिमिनेशन का मेथड भी आपका चल जाता, अगर आपको सिर्फ ये पता होता कि आपकी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है या सही है। अगर आप कह देते कि हाँ भैया थर्ड स्टेटमेंट गलत है, आपको पता होती इतनी सी बात, तो आपके तीन ऑप्शन तो सीधा एलिमिनेट हो जाते, तीन ऑप्शन तो आपके सीधा एलिमिनेट हो जाते कि भैया तीन तो हो नहीं सकता, तो 1 और 2 तो है ही है। ऑल राइट, चलिए ओके, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। हम देख चुके हैं कि एलियंस आर द सिटीजंस ऑफ सम अदर स्टेट एंड हिज डू नॉट इंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सिमिलरली स्टेटमेंट 2 भी देख लिया हमने कि एनिमी एलियंस आर द सब्जेक्ट ऑफ द कंट्री दैट इज एट वॉर विद इंडिया, वाइल फ्रेंडली एलियंस आर द सब्जेक्ट ऑफ दोज कंट्रीज दैट हैव कोरोडियल रिलेशंस विद इंडिया। सो जो एनिमी एलियंस है वो नहीं इंजॉय करते। ओके, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, बोथ citizens by birth as well as naturalized citizens आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन कंपल्सरली टर्मिनेट्स द इंडियन सिटीजनशिप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द मीन्स ऑफ डेप्रीवेशन। इनमें से कौन सा प्रोविजन जो है कंपल्सरली टर्मिनेट कर देगा भारतीय नागरिकता सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाय द मीन्स ऑफ डेप्रीवेशन। नंबर 1, इफ द सिटीजनशिप हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड से सिटीजनशिप मिली है, डिसलॉयल्टी शो की है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजेंड इन एनी कंट्री फॉर 2 years, अगर जेल हुई है उसे किसी भी देश में 2 साल की अपनी नागरिकता मिलने के बाद 5 साल तक, इफ द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूअसली, अगर वो 7 साल से लगातार हिंदुस्तान के बाहर रह रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं ये, और अब आपका समय, रुको एक मिनट, ये कुछ इसमें फॉल्ट आ रहा है ना, तो 20 पे आ जाने देते हैं, जब 20 सेकंड पूरे हो जाएंगे, बाकियों को जिनको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है वो कोई बात नहीं, मजे करें। चलो अब 20 सेकंड शुरू हो गए हैं, बताओ आंसर इसका जल्दी जल्दी, और सब लोग पार्टिसिपेट करो, एवरीवन शुड पार्टिसिपेट। ठीक है, अगर आंसर नहीं आता तो चैट बॉक्स में स्किप लिख दो, अगर आंसर नहीं आता तो चैट बॉक्स में स्किप लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किप से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आंसर देना चाहिए।
आंसर इज मस्ट, स्किप से प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई थिंक इट हैज बीन डन। चलो तो आंसर देखें पहले इसका। आंसर इसका क्या हो जाएगा कि भैया, सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा कि सिटीजनशिप एक्ट जो है वो डिस्क्राइब करता है डेप्रीवेशन एज वन ऑफ द मींस ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप विच इज कंपल्सरीली टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, किस किस आधार पर? अगर फ्रॉड के द्वारा ली है, डिसलॉयल्टी की है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, अनलॉफुली ट्रेड किया है या कम्युनिकेट किया है एनिमी कंट्री के साथ वॉर के समय में, सिटीजनशिप हैज द सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन इम्प्रिजेंट इन एनी कंट्री फॉर 2 years, उसको सिटीजनशिप मिल गई रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के द्वारा, और यह सिटीजनशिप मिलने के 5 साल में उसको 2 साल की जेल हो गई किसी भी देश में, तो उसकी कैंसिल कर देंगे। सिटीजनशिप हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूअसली। तो देख रहे हो आप, सारे पॉइंट्स हैं, तो उसमें आपका ऑल पॉइंट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1, 2, 3 and 4 विल बी योर करेक्ट आंसर, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। And here is your next question. Consider the following statements. Statements given है आपको, the Indian Constitution makes ethnic identity a criterion for citizenship. भारतीय संविधान ethnic identity को criteria बनाता है नागरिकता का. United Kingdom has a written constitution. All right, इनमें से आपको अब बताना है incorrect बताना है आपको. ठीक है जी, time शुरू हो गया, चलो जल्दी से अब इनकरेक्ट बताना है। तो सबसे पहले कीवर्ड क्या हो गया, कीवर्ड हो गया इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को मार्क कर लो, इनकरेक्ट इज द कीवर्ड। ओके, सो टाइम इज अप। तो आंसर देखें इनकरेक्ट कौन सा है। सबसे पहले जो एक पॉइंट आपको, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप प्रीलिम्स देने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए आपके लिए, हलवा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि यूनाइटेड किंगडम जो है ऐसा देश है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनरिटन। तो ये तो इनकरेक्ट हो ही गया, इनकरेक्ट हो गया मतलब कि हमारे लिए करेक्ट हो गया क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, तो 2 तो आंसर में आएगा ही आएगा। दूसरा, भारतीय संविधान कहता है कि एथनिक आइडेंटिटी सिटीजनशिप का क्राइटेरिया है, लेकिन हमारे देश में तो ऐसी कोई बात होती नहीं कि एथनिसिटी के बिहाफ पे हम सिटीजनशिप देते हैं, होती है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। तो 1 भी गलत हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर्स इन दिस केस। ओके, इजी क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन कतई ही नहीं था। जो बच्चे कंफ्यूज होंगे वो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट 1 में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, उसके अलावा इस क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल में जाने वाला कुछ भी नहीं है। तो अगर आप देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी अ क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। दिस मींस द पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी कम्स इनटू बीइंग ओनली थ्रू द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटी की बात करता है कि जो भारत के लोग हैं वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और वहां से सिटीजनशिप निकली है, ना कि एथनिसिटी के बिहाफ पे। ठीक है, इट इज बाय एग्रीइंग टू अ बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स अबाउट हाउ वन शुड बी गवर्न्ड एंड हु शुड बी गवर्न्ड That one forms a collective identity. हमारा संविधान ये नहीं बताता कि हमें सिर्फ एक एथनिसिटी के ऊपर जो है उस एथनिसिटी के लिए काम करना है। हमारा संविधान क्या बताता है कि भैया कि जो किनको हमने गवर्न करना है और कैसे गवर्न करना है। वहां पर ये नहीं बताया गया कि एथनिक लोगों को हमने गवर्न करना है, वहां पर ये बताया गया कि हमने भारतीय नागरिक को गवर्न करना है, और भारतीय नागरिक के लिए हमने कोई क्राइटेरिया नहीं सेट किया, ना हमने एथनिक सिटी सेट किया, ना हमने रिलीजन सेट किया, ना हमने कास्ट सेट किया, हमने कुछ भी सेट नहीं किया। अगर आप भारतीय नागरिक हैं, अगर आप इंसान है, तो आप भारतीय नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, बाय फॉलोइंग द डिफरेंट प्रोसेसेस। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब जल्दी से। विच अमंग द फॉलोइंग नीड्स टू टेक अ ओथ ऑफ एलिजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से किसको ओथ लेनी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन की एलिजेंस की, जिन्होंने सिटीजनशिप बाय बर्थ जिनको मिली है, जिनको सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिली है, जिनको सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन मिली है, जिनको सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन मिली है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सही है। ऑप्शंस आ गए हैं आपके सामने ये, और टाइम शुरू होता है, रुक जाओ, चलो टाइम शुरू होता है अब, 20 सेकंड यहां से देख लेंगे। चलो जल्दी से, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। मुश्किल क्वेश्चन कैसे, क्योंकि सिटीजनशिप वाला चैप्टर हम वैसे ही नहीं इतना अच्छे से पढ़ते। दूसरा,
जो ये ओथ वगैरह वाले जो पॉइंट होते हैं ना, कई बार मिस हो जाते हैं, लेकिन आजकल यूपीएससी का पिछले 2 साल से जो एग्जाम का पैटर्न रहा है वो फैक्चुअल सवाल पूछ लेता है। ठीक है, चलो टाइम अप, 20 सेकेंड्स हैव बीन डन, लेकिन जिसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए वो 10 सेकेंड और ग्रेस के। ऑल राइट ऑल राइट, चलो तो अब देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखो बाय बर्थ, अब बाय बर्थ जिसका जन्म हुआ है, ठीक है, छोटा बच्चा है, ऐसा तो है नहीं कि वो जब पैदा होते ही बच्चा ओथ लेने जाएगा, ठीक है, बाय बर्थ तो जो है वो सिटीजन बन गया, उसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ तो वो सिटीजन बन गया, तो इसमें कुछ ओथ लेने की जरूरत नहीं है। डिसेंट में भी ओथ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पिता या माता जो है वो हिंदुस्तानी नागरिक हैं और आप कहीं बाहर आपका जन्म हुआ है तो आपको बाय डिसेंट जो है नागरिकता मिल जाएगी, उसमें भी आपको ओथ लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बाय नेचुरलाइजेशन और बाय रजिस्ट्रेशन दो ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें आप सिटीजनशिप जो है एक एज के बाद लेते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जब एडल्ट हो गए तब आपने नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजन ली, तब तक आपका माइंड जो है वो डेवलप कर चुका है। जब बंदा बर्थ या डिसेंट के थ्रू सिटीजनशिप ले रहा है तब तो वो बच्चा है, उसका माइंड डेवलप नहीं किया, ठीक है, तो वो भारतीय नागरिक बन गया तो उसके दिमाग में वही रहेगा कि आप भारतीय नागरिक हो, लेकिन ताकि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो भारत के नागरिक ना बन जाए, कि वो देखना चाहते हैं, भारत सरकार ये देखना चाहती है कि जो ये नागरिक बन रहे हैं क्या ये हिंदुस्तान को अपना देश एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो इसीलिए इन लोगों को जो है ओथ दिलाई जाती है जो नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजन बनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज जो है ज्यादातर किसमें होते कि भैया थ्री ओनली है या फोर ओनली है, कि भाई रजिस्ट्रेशन वर्ड है तो सिर्फ फोर ओनली होगा, लेकिन नेचुरलाइजेशन वालों को भी ओथ जो है एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन की लेनी पड़ती है, तो इसका आंसर थ्री एंड फोर है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में और अब आपको इस पे एज हो गया है। ठीक है, चलिए तो आंसर इसका ऑलरेडी देख चुके हैं डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू सिटीजनशिप इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सिटीजनशिप के लिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर वन, सिटीजनशिप इज अ सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर टू, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड द मैकेनिज्म फॉर डिसाइडिंग द लॉस ऑफ सिटीजनशिप सब्सिक्वेंट टू इट्स कमेंसमेंट व्हाइल दैट ऑफ एक्विजिशन इज लेफ्ट टू द पार्लियामेंट। थर्ड, टू अमेंड द सिटीजनशिप प्रोविजन इन असम द स्टेट हैज टू रिसीव एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द बिल प्रोवाइडिंग द सेम। पहली स्टेटमेंट क्या करेगा कि भैया सिटीजनशिप सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट का जो 7th शेड्यूल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। दूसरी स्टेटमेंट ये कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म कि सिटीजनशिप कैसे खत्म की जा सकती है किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की सिटीजनशिप अगर हमें कैंसिल करनी है तो वो कैसे करनी है, लेकिन वो एक्विजिशन की सिटीजनशिप हासिल कैसे करनी है उसके बारे में कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ा है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि सिटीजनशिप प्रोविजन असम के लिए स्टेट गवर्नमेंट को एसेंट लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट का, ठीक है, अगर कोई बिल पास कराना है असम स्टेट गवर्नमेंट को। तो इसका क्या आंसर होगा, समय शुरू होता है और ये ऑप्शन है आपके और ये आपका टाइम, चलो 25 सेकेंड है आपके पास। चलिए ऑल राइट, टाइम अप। ठीक है, तो सबसे पहले तो कीवर्ड क्या था, कीवर्ड था करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना था इनमें से। अब देखो सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट में है, बिल्कुल यूनियन लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट आपका 7th शेड्यूल में आता है, 7th शेड्यूल में आपकी 3 लिस्ट गिवन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सिटीजनशिप आपका यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, बिल्कुल मान लेते हैं। सिटीजनशिप जो है आपका एंट्री 17, ठीक है, एंट्री 7th शेड्यूल के यूनियन लिस्ट का 17वां जो सब्जेक्ट है वो सिटीजनशिप है। अब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि एंट्री 17 को भी याद करने लग जाओ, वैसे ही बता दिया, ठीक है, भावुक नहीं होना इसके ऊपर। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या कहता है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया मैकेनिज्म की सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, लेकिन सॉरी कैसे कैंसिल की जा सकती है, पर एक्वायर करने की बात नहीं की, ठीक है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो टेम्पररीली बता दिया था कि जब भारत का संविधान फंक्शनिंग में आएगा तो क्या सिस्टम रहेगा कि कौन कौन नागरिक बनेगा, उसके अलावा सब कुछ जो है पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया। जो आपका आर्टिकल 11 है उसमें क्या लिखा गया कि पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगी टाइम टू टाइम कि कैसे सिटीजनशिप को एक्वायर किया जाएगा हिंदुस्तान में और कैसे सिटीजनशिप को कैंसिल किया जाएगा। तो ये बात कि
एक्वायर करने का पार्लियामेंट के पास छोड़ा गया है और कैंसिल करने का कॉन्स्टिट्यूशन के पास है, ये बिल्कुल गलत है। एक्वायर करने का और कैंसिल करने का दोनों जो अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के पास है, तो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो हो जाता है गलत। ठीक है, 1 सही हो गया, 2 गलत हो गया, तो 2 है आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता। अब हमें यह देखना है कि क्या थर्ड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, टू अमेंड द सिटीजनशिप प्रोविजंस इन असम द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू रिसीव एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द बिल प्रोवाइडिंग द सेम। टू अमेंड द सिटीजनशिप प्रोविजन इन असम स्टेट गवर्नमेंट हैज टू रिसीव। अरे भैया, जब सिटीजनशिप सब्जेक्ट क्या है, सिटीजनशिप सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट का, सिटीजनशिप इज अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। ठीक है, तो अमेंड कौन कर सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट। ठीक है, सिर्फ जो नेशनल पार्लियामेंट है वो इसको अमेंड कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे बिल निकाल देगी इसको अमेंड करने के लिए, वो तो हो ही नहीं सकता। तो प्रेसिडेंट के पास बिल जाने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि स्टेट की तो यहां पर अथॉरिटी नहीं है, स्टेट हैज नो राइट ओवर हियर कि वो एक बिल निकाल सके सिटीजनशिप प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली आपका थर्ड स्टेटमेंट भी जो है वो गलत हो जाता है। सो ऑप्शन सी एंड डी आर ऑल्सो रॉन्ग, देन इन दैट केस ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 1 ओनली। ठीक है, तो 1 ओनली आपका सही आंसर होगा कि भैया सिटीजनशिप जो है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, उसके अलावा जो दूसरी स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो आगे देखें। चलिए, तो आंसर इसका हम देख चुके हैं, ए है, और बाकी ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये सारी वही चीजें लिखी हुई हैं। तो जब आपके पास पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो फिर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो दोबारा, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन सिटीजनशिप इन द स्टेट ऑफ असम। असम से रिलेटेड सिटीजनशिप का कुछ पॉइंट्स आपसे पूछे गए हैं। द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 वॉज अमेंडेड आफ्टर द असम अकॉर्ड टू प्रोवाइड फॉर ऑल इंडियन ओरिजिन पीपल हु वर डीम्ड एज सिटीजन। ठीक है, 1955 का एक्ट अमेंड किया गया असम अकॉर्ड के बाद टू प्रोवाइड फॉर ऑल इंडियन ओरिजिन पीपल हु वर डीम्ड एज सिटीजन। ओके, डी वोटर is the category of voters who are upgraded from the status of deemed citizens to deemed voter to enable electoral participation, ताकि वो वोट कर सकें। ठीक है, 3, डी वोटर्स आर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन द करंट एनआरसी अपडेशन एक्सरसाइज, जो एनआरसी बनाना आसाम में, तो उसमें डी वोटर्स ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गए। अब आपका जो है ऑप्शन आ गए हैं ये, और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो 30 सेकेंड है आप लोगों के पास। चलिए चलिए, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ये ध्यान में रखना है कि स्टेटमेंट जो है करेक्ट के बारे में पूछा है आप लोगों से, करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट इनकरेक्ट का खेला बड़ा खतरनाक है भैया यूपीएससी में। ठीक है, चलो तो देखें। अब सबसे पहले पॉइंट 1, इसका आंसर बता देता हूं। सबसे पहले इसका आंसर रहेगा आपका ए, 1 ओनली। ठीक है, सिर्फ पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है, तो जिन लोगों ने 1 ओनली किया उनका बिल्कुल सही हो जाता है, इसके अलावा जिसने जो भी आंसर किया वो गलत हो जाता है। ठीक है, चलो अब पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 वाज अमेंडेड आफ्टर द असम अकॉर्ड टू प्रोवाइड फॉर ऑल इंडियन ओरिजिन पीपल हु वर डीम्ड एज सिटीजन। अब जब आपका असम अकॉर्ड हुआ 1985 में, तो उसके बाद आपका सिटीजनशिप एक्ट जो है वो 1955 का अमेंड किया गया, और इसमें क्या बोला गया कि जो भी इंडियन ओरिजिन के लोग, जो भी इंडियन ओरिजिन पीपल फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है, जो भी हिंदुस्तानी ओरिजिन के लोग बांग्लादेश से आए हैं असम में या हिंदुस्तान में जनवरी 1, 1966 से पहले, कब से पहले, जनवरी 1, 1966 से पहले, उनको स्टेटस मिलेगा एज डीम्ड सिटीजन्स। ठीक है, उनको क्या स्टेटस मिलेगा, डीम्ड सिटीजन्स। ठीक है, उसके बाद जो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है, डी वोटर, डी वोटर जो था इट इज शॉर्ट फॉर ड्यूबियस और डाउटफुल। ठीक है, दिस इज अ कैटेगरी ऑफ वोटर्स डिस एनफ्रेंचाइज बाय द गवर्नमेंट फॉर एल्ज्ड लैक ऑफ प्रॉपर सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स। इनको डिस फ्रेंचाइज कर दिया सरकार ने, क्योंकि इनके पास प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, और कुछ 2.48 लाख पीपल गॉट द डी वोटर टैग ड्यूरिंग एनआरसी अपडेशन प्रोसेस। कुछ 2.25 लाख के करीब लोग जो हैं उनको डी वोटर कैटेगरी में रखा गया, यानी कि ड्यूबियस और डाउटफुल वोटर्स। ठीक है, डी वोटर्स आर ट्राइड
by special tribunals under the Foreigners Act, and if they fail to defend their citizenship claim, they are marked as declared foreigners. ठीक है, अब उनको एक ट्रिब्यूनल के सामने लेकर जाया जाएगा फॉरेनर्स एक्ट के थ्रू, फॉरेनर एक्ट के अंदर, और अगर वहां पर वो अपनी नागरिकता को प्रूफ नहीं कर पाते तो उनको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा. ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर टू और ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो बिल्कुल गलत हो जाता है. ठीक है, और ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट. सो वन ओनली इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन वी जस्ट नाउ डिस्कस्ड. ठीक है, देख सकते हो आप लोग, बाकी पीडीएफ तो मिल ही जाएगा. चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ऑल नेशनल्स आर सिटीजन्स ऑफ अ स्टेट एंड ऑल सिटीजन्स आर रेजिडेंट्स ऑफ अ स्टेट. ये आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं कि ऑल नेशनल्स आर सिटीजन्स ऑफ अ स्टेट. ऑप्शन टू, ऑल सिटीजन्स आर रेजिडेंट्स ऑफ अ स्टेट. अब आपको सही बताना है इनमें से क्या है, और आपका वक्त शुरू होता है अब. मुश्किल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल है. सवाल छोटा सा है लेकिन है मुश्किल, छोटा पर मुश्किल, छोटा है क्वेश्चन पर मुश्किल क्वेश्चन है. ओके, ठीक है जी, आंसर देख लेते हैं इसका. इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीदर. ठीक है, जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट्स आपकी गलत हैं. तो इसकी अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. इन जनरल, टू बी अ नेशनल इज टू बी अ मेंबर ऑफ स्टेट. नेशनैलिटी इज एक्वायर्ड बाय बर्थ और एडॉप्शन, मैरिज और डिसेंट. हैविंग अ नेशनैलिटी इज क्रूशियल फॉर रिसीविंग फुल रिकॉग्निशन अंडर इंटरनेशनल लॉ. इंडीड, आर्टिकल 15 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर्स दैट एवरीवन हैज द राइट टू अ नेशनैलिटी. सबके पास हक है नेशनैलिटी का. एंड नो वन शॉल बी आर्बिट्ररी डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेशनैलिटी नॉट डिनाइड द राइट टू चेंज हिज नेशनैलिटी बट इज साइलेंट ऑन सिटीजनशिप. ये नेशनैलिटी के ऊपर बात कर रहा है आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, पर सिटीजनशिप के बारे में बात नहीं कर रहा. सिटीजनशिप जो है नैरो कंसेप्ट है एज कंपेयर टू नेशनैलिटी. नेशनैलिटी इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट. अब सिटीजनशिप क्या कहता है, इट इज अ स्पेसिफिक लीगल रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टेट एंड अ पर्सन. एक स्टेट और एक पर्सन के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप है. ठीक है, जब आप सिटीजन बन जाते हो तो अब आपका एक लीगल रिलेशनशिप बन जाता है. स्टेट को आपको कुछ ना कुछ देना है, आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, और आपने भी कुछ ना कुछ स्टेट को देना है, कुछ आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. ठीक है, इट गिव्स दैट पर्सन सर्टन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. इट डज नॉट हैव टू अकंपनी नेशनैलिटी. सिटीजनशिप के साथ आपको नेशनैलिटी भी आए वो जरूरी नहीं है. और इसके लिए एग्जाम्पल लिया है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का, जैसे कि मैक्सिको. A person acquires nationality at birth but receives citizenship only upon turning 18. मैक्सिको में नेशनैलिटी तो जन्म पर ही मिल जाती है, पर नागरिकता 18 साल की उम्र में मिलेगी. ठीक है, उसके हिसाब से जो मैक्सिकन बच्चे होते हैं वो नेशनल तो होते हैं पर सिटीजन नहीं होते. सिमिलरली जो साउथ अफ्रीका होता था, अपार्थाइड साउथ अफ्रीका होता था, वहां पर फ्रीडम मिलने से पहले उनको, वहां पर जो नॉन वाइट्स थे वो नेशनल थे पर उनको सिटीजनशिप नहीं मिली हुई थी. उसके तो सिटीजनशिप नहीं थी तो उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं थे. ऑलराइट, तो स्टेटमेंट वन आपकी वहां से गलत हो जाती है. और दूसरी जो आपकी स्टेटमेंट थी कि भैया ऑल सिटीजन्स आर रेजिडेंट ऑफ अ स्टेट, ये तो वैसे ही गलत है. जरूरी नहीं है कि अगर भारत का कोई नागरिक है तो वो हिंदुस्तान में ही रह रहा है. ऐसा भी हो सकता है कि वो कनाडा में रह रहा हो, ठीक है, यूएस में रह रहा हो. तो टू तो बिल्कुल ही गलत हो जाती है. ऑलराइट, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 डिफाइंस अ पर्सन एज इलीगल माइग्रेंट इफ. जो आपका सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, वो बंदे को इलीगल कैसे डिक्लेयर करता है. नंबर वन, एंटर्स द कंट्री विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लाइक अ पासपोर्ट एंड वीजा. एंटर्स विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स बट स्टेज बियॉन्ड द परमिटेड टाइम पीरियड. इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका. वन ओनली, टू ओनली, और ये रहा आपका टाइमर. चलिए, 15 seconds सफिशियंट है, हो जाएगा 15 seconds में. अगर बिना कागजों के आता है हिंदुस्तान में, दूसरा कागजों के साथ आता है पर जितना परमिट मिला था, जितना टाइम रहने का, उससे ज्यादा रह लिया. चलिए, तो आंसर देखें इसका. पहले आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी. दोनों तरीकों से इलीगल माइग्रेंट जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है. अगर बिना कागजात के आता है हिंदुस्तान में तब भी वो इलीगल माइग्रेंट है,
कागजात के साथ आता है, लेकिन जितना उसको वीजा पे उसके टाइम मिला था कि हाँ भाई तू 50 दिन रह सकता है, 2 महीने रह सकता है, 6 महीने रह सकता है, उससे ज्यादा अगर रह रहा है तब भी वो एक इलीगल माइग्रेंट की कैटेगरी में ही आएगा, और ये लिखा गया है साफ साफ आपके सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जिन्होंने बच्चों ने सी इसका आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, और जिन्होंने इसका आंसर सी नहीं दिया है वो बिल्कुल ही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 वाला जो एक्ट है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। इस एक्ट को 8 बार अमेंड किया गया है अभी तक। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये क्या बेहुदा सवाल है, इतना बड़ा, इतना ज्यादा फैक्चुअल, आप क्या कोई बैंकिंग का या कोई एसएससी का एग्जाम ले रहे हो? पर बच्चों ये बात वही बच्चे बोलेंगे जिन्होंने पिछले 2-3 साल का यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर देखा नहीं है या स्टडी नहीं किया है। यूपीएससी इज वेरी फास्टली मूविंग टुवर्ड्स फैक्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चुपचाप करके अब इसका आंसर दो, जिसको नहीं आता वो स्किप लिख दो। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट, ओरिजिनली द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप। कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप की भी बात की थी 1955 के एक्ट ने। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत। करेक्ट, करेक्ट वर्ड जो है पूछा यहां पर गया है, और करेक्ट आपको अंडरलाइन भी कर लेना था। चलो तो आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दीजिए 25 सेकेंड का टाइम है, 5 ये और 20 फिर और सोच लो थोड़ा सा। सिटीजनशिप एक्ट अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था तो इसको तो मैं पूरा निचोड़ के जाऊंगा तुम्हारे लिए। ओके, टाइम अप। चलिए तो पहले तो इसका आंसर बता देता हूं आपको। इसका आंसर रहेगा बच्चों बी, टू ओनली। ठीक है, 1 सही नहीं है, क्योंकि जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, अब आपका एक लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, जो आपका CAA के नाम से आप न्यूज़ पढ़ रहे हो बहुत दिनों से, तो ये 2019 में हुआ, तो इसके बाद ये नंबर बढ़कर क्या हो गया, 9। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाती है क्योंकि 9 बार अमेंड हुआ है। उसके अलावा जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, इट इज वेरी राइट। सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, ओरिजिनली इसमें ये कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का प्रोविजन था, पर बाद में इसको हटा दिया गया था। जो 2002 या 2003 में सिटीजनशिप की अमेंडमेंट आई थी उसमें इसको हटा दिया गया था, या एक मिनट चेक कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2003 की, हाँ रिपील कर दिया गया था इस सिटीजनशिप, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप के प्रोविजन को 2003 में जो अमेंडमेंट हुई थी सिटीजनशिप एक्ट में उसमें। ठीक है, उससे पहले कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप की भी बात की गई थी, और ये कुछ आपके जो है अमेंडमेंट्स हुई हैं अभी तक। अब ये सारी रटने मत बैठ जाना, ठीक है, सारी रटने मत बैठ जाना कि भाई डेट वाइज सारी याद करने लग गए। बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए माइंड में कि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप आंसर दे सको। यहाँ पर 8 गिवन है और 9वीं आपकी हो जाएगी CAA, लिख रहा हूं मैं 2019। ठीक है, ये 9th हो गई। ऑलराइट, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन था पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत में सही, जिसको तुम लोग चाटते हो। ठीक है, कुछ भी बाहर से नहीं पूछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द प्रोविजन अंडर सेक्शन 14A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 इंसर्टेड बाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब 2003 की अमेंडमेंट जब हुई थी सिटीजनशिप एक्ट में, तब उसमें एक सेक्शन घुसाया गया था जिसका नाम था 14A, और ये 14A अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, तो अब ये प्रोविजंस में से आपको बताना है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कंपल्सरली रजिस्टर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इशू नेशनल आइडेंटिटी कार्ड टू हिम। ओके, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि भैया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन जो है वो मेंटेन कर सकती है, और उस पर्पस के लिए एक नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बना सकती है। ऑप्शन 3 कह रहा है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट एज नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ठीक है, तो अब आपको इसमें से बताना है कौन सा ठीक है, ठीक बताना है आपको। इज वन ऑफ द प्रोविजन, इज वन ऑफ द प्रोविजन। ठीक है, यहां पर कीवर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द प्रोविजन। टाइम शुरू होता है आपका अब। चलो आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा टाइम फॉर दिस, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, 20 सेकेंड इसके बाद और है, अच्छे से पढ़ लो। चलिए टाइम इज अप,
तो पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है बच्चों। इसका आंसर होएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो ये आपका जो सेक्शन 14A है इसी में बात कर दी गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रजिस्टर कर सकती है हर भारतीय नागरिक को और एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड उसको इशू कर सकती है। ये बात इस प्रोविजन में लिखी गई है जो 2003 में अमेंडमेंट हुई थी। उसके बाद इसमें यह भी लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है वो मेंटेन कर सकती है और उसके लिए एक नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी बना सकती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये भी इस प्रोविजन में बात की गई थी। ऑप्शन नंबर 3, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसको अपॉइंट किया जाएगा अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 एंड ही विल एक्ट एज द नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एंड ही शॉल फंक्शन एज द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल सही है। ये सेक्शन 14A की बात है और ये काफी ज्यादा न्यूज में था इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा गया है। इसके अलावा एक और प्रोविजन है इसमें जो मैं अब आपको आंसर में इसका दिखाने जा रहा हूं। तो आंसर इसका बी हो गया, 1, 2 एंड 3। सो ओके, हाँ यही तीन प्रोविजंस थे इसमें, ठीक है ये तीन प्रोविजंस थे, वी हैव डन ऑल थ्री। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया ये, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द ग्राउंड्स ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ओसीआई रजिस्ट्रेशन एज पर CAA 2019। तो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कुछ ग्राउंड्स बताता है जिसपे जो आपके ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट्स हैं कि भैया फ्रॉड से अगर रजिस्ट्रेशन करी है और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसअफेक्शन शो कर रहे हैं तब हो जाएगी, एंगेजिंग विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर, नेसेसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन 4, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट। ऑप्शन 5, इफ विद इन 5 ईयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन द ओसीआई हैज बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर्स और मोर। अगर 5 साल जब उसको रजिस्टर कर दिया उसके 5 साल के अंदर अंदर उसको 2 साल की जेल हो गई तब भी उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, ऐसा बोला है इस स्टेटमेंट में। तो अब आपके पास ऑप्शन आ गए हैं ये और आपका टाइम शुरू हो गया है। अब आई एम गिविंग 30 सेकेंड्स टू यू फॉर दिस, कम ऑन आंसर इट फास्ट। स्किप लिख दो चैट में अगर नहीं आता, तो स्किप लिख दो अगर नहीं आता। ओके तो आंसर इसका क्या है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5 मतलब इन पांचों तरीकों में अगर कुछ भी होता है तो ओसीआई रजिस्ट्रेशन, जो ओसीआई बंदा है उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन किस में होती है, देखो रजिस्ट्रेशन थ्रू फ्रॉड तो इसमें तो हम मान लेते हैं, ठीक है अगर हमने नहीं भी पढ़ा होता तब भी हम एग्जाम में अपना दिमाग तो चलाते ही है ना आइंस्टाइन वाला, तो ये हम कर देते। एंगेजिंग विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर, इसको भी आप लोग कर देते कि हाँ यार दुश्मन के साथ मिल रहा है तो फिर तो कैंसिल करेंगे ही रजिस्ट्रेशन, इतना दिमाग तो तुम लगा लेते हो, ठीक है। उसके बाद जेल वाला जो नंबर 3 है आपका, नेसेसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि यार नेसेसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया इसमें क्या मतलब पॉइंट आएगा, ठीक है यहां पर कंफ्यूज हो सकते हो। दूसरा सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में भी आप लोग जो है तुक्का मारी दोगे कि हाँ चौथा नंबर वाला भी आ ही जाएगा। तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन में एक तो आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है 1, 2 और 4 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो गए। इफ विद इन 5 ईयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसको भी आप मेरे ख्याल से अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है इसको भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। मेनली आप कंफ्यूज हो गए 4 में, ठीक है 4 में आप ने सॉरी 3 में आप मेनली कंफ्यूज हो गए, तो होना नहीं है। ये पांचों ग्राउंड है इनको यहीं पर रट लो और ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। ओके चलो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट, यहाँ पर कौन सी अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोल रहा हूँ, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट हुई है 2019 की, प्रोवाइड दैट इलीगल माइग्रेंट्स हु फुलफिल सर्टेन कंडीशंस विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट्स अंडर द एक्ट, ठीक है कि भैया अगर कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तो बंदा इलीगल माइग्रेंट उसको नहीं ट्रीट किया जाएगा, वो कौन सी कंडीशन इसमें से सही है आपको बताना है। नंबर 1, हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी क्रिश्चियन या ज्यू कम्युनिटी से हैं। नंबर 2, अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान और म्यांमार से आए हैं। नंबर 3, हिंदुस्तान में वो एंटर किए हैं बिफोर दिसंबर 31, 2014, बताओ। और ये रहे आपके ऑप्शंस एंड देन इट इज हेयर इज योर टाइम, यू हैव 15 सेकंड्स फॉर दिस, इजी क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो इजी है, न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो इजी है।
ओके द टाइम एंड्स। तो आंसर देखें, सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, थ्री ओनली, सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। ये वाले स्टेटमेंट में क्या बोला कि अगर कोई भी बंदा दिसंबर 31, 2014 से पहले आया है और वो बाकी की कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, टोटल चार कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि वो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन कम्युनिटी का होना चाहिए, जू इसमें नहीं है, इसीलिए आपका स्टेटमेंट नंबर वन गलत हो जाता है। दूसरी कंडीशन है कि वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आया हुआ माइग्रेंट होना चाहिए, म्यांमार इसमें नहीं है, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। तीसरा है कि वो इलीगल माइग्रेंट हिंदुस्तान में दिसंबर 31, 2014 से पहले आ गया हो तो उसको हम इलीगल नहीं ट्रीट करेंगे। अगर दिसंबर 31, 2014 के बाद आया है, फॉर एग्जाम्पल 4 जनवरी 2015 को आया है, तो चाहे वो बाकी की तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर भी रहा है तब भी वो इलीगल माइग्रेंट है, सिर्फ 31 दिसंबर की जो है डेट जो है हमने सेट कर दी, ठीक है। उसके अलावा चौथी सिचुएशन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ये तो तीन पॉइंट हो गए आपके, ठीक है। उसके अलावा एक जो चौथा पॉइंट है वो है दे आर नॉट इन सर्टन ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन चार स्टेट्स के अगर वो ट्राइबल एरिया में नहीं एंटर किया है तो उसको इलीगल नहीं ट्रीट करेंगे। इंक्लूडेड इन द सिक्स शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन और एरिया अंडर द इनर लाइन परमिट, दैट इज अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड। अगर इन स्टेट्स, मतलब कि जो छठी शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के आपके चार स्टेट्स हैं, उन चार स्टेट्स के अगर ट्राइबल एरिया में चला गया वो, ठीक है, ट्राइबल एरिया में रह रहा है तो उसको इलीगल माइग्रेंट ही ट्रीट करेंगे, अगर नहीं रह रहा तो इलीगल नहीं ट्रीट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर वो इनर लाइन परमिट वाले एरिया में जाता है तो भी वो इलीगल की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। और इस ट्राइबल एरियाज में जैसे कार्बी एंगलोंग, गारो हिल्स, चकमा डिस्ट्रिक्ट, ये सब आ जाते हैं। ऑलराइट, ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अबव कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर इलीगल माइग्रेशन और सिटीजनशिप विल बी क्लोज्ड। अब जिनके खिलाफ भी केस चल रहे थे ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होने से पहले कि हाँ ये इलीगल है, या जो भी केस चल रहे थे, वो सारे केस अब उनके खिलाफ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, वो सारे केस उनके खिलाफ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। ओके, चलिए अब किसी को यहां तक क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू इन द चैट बॉक्स इटसेल्फ। तो पूछते रहना सवाल, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अ यूजुअल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज द वन, ठीक है। अब भारत सरकार कह रही है ना कि हम एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाएंगे, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में एक टर्म यूज की गई है कि वो बंदे इसमें उन लोगों का नाम लिखा जाएगा हु इज अ यूजुअल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। अब यूजुअल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री क्या है? नंबर वन, रिजाइडिंग इन अ लोकल एरिया फॉर एटलीस्ट द लास्ट सिक्स मंथ्स। नंबर टू, इंटेंड्स टू स्टे इन अ पर्टिकुलर लोकेशन फॉर द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स। इनमें से कौन सा आएगा? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टेक 27 सेकंड्स। कम ऑन, चलो चलो चलो, आंसर करो सब लोग। चलिए तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है आपका सी, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, क्योंकि आपका जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है इसमें ऐसा नहीं है कि सिटीजनशिप इसका आधार नहीं है। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का सिटीजनशिप आधार नहीं है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में हम उन लोगों को नाम नहीं लिख रहे जो भारत के नागरिक हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में हम उन लोगों का नाम लिख रहे हैं जो यूजुअल रेजिडेंट हैं। रेजिडेंट का क्या मतलब होता है? जो रह रहे हैं हिंदुस्तान में, ठीक है। और यूजुअल रेजिडेंट के लिए होम मिनिस्ट्री क्या बोलती है कि वो लोग जो किसी लोकल एरिया में भारत में पिछले 6 महीने से रह रहे हैं, या वो लोग भी जो भारत में आए तो अभी कुछ दिन पहले ही हैं लेकिन अगले 6 महीने तक रहने का इंटेंशन है उनका, तो दोनों को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन है, काफी बच्चों ने इसका जो है टू ओनली जो है वो काट दिया होगा, ठीक है, कि भैया ऐसा नहीं होगा, जो रहना चाहते हैं इंटेंड करते हैं उनका नाम क्यों लिखेंगे, तो टू ओनली काफी उन्हें काट दिया होगा, बोथ भी इसलिए काट दिया होगा और वन ओनली के साथ चले गए होंगे, तो ऐसा नहीं है। इसका आंसर जो है आपका रहेगा बोथ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ, दोनों स्टेटमेंट्स सही है।
ओके, सो द एनपीआर इज अ लिस्ट ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, और इसमें आपके यूजुअल रेजिडेंट्स में कौन आ जाते हैं, जो रह रहा है 6 महीने से या जो इंटेंड करता है रहने का अगले 6 महीने, तो दोनों आ जाएंगे. ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एक्सरसाइज ऑफ क्रिएटिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. इनमें से कौन सा देश जो है, कौन सा शहर जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा? असम, वेस्ट बंगाल, केरला या सारी स्टेट्स इंक्लूड होंगी? ये क्वेश्चन बोगस है, बताओ. बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, या तो आता है या नहीं आता है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है. और यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, हल्के में नहीं लेना. टाइम स्टार्ट होता है अब, 10 सेकंड बहुत है, या तो आता है या नहीं आता है, ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं. चलो, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? काफी बच्चों ने इसका आंसर या तो वेस्ट बंगाल किया होगा, क्योंकि यहां पर कौन है, यहां पर है दीदी, ममता दीदी, कि भैया ममता दीदी कह रही होंगी कि मैं नहीं पार्टिसिपेट करूंगी. या काफी बच्चों ने और ज्यादा दिमाग लगाया होगा, उन्होंने कहा होगा कि यहाँ पर लेफ्ट गवर्नमेंट है तो ये नहीं कर रहे होंगे. या और ज्यादा जो होंगे वो उन्होंने कहा होगा कि ये तो सर कह ही रहे हैं क्वेश्चन बोगस है, तो ऑल द स्टेट्स विल बी इंक्लूडेड, ये इसका आंसर होगा. पर इसका आंसर आप तीनों, जिन जिन्होंने ये बी सी डी आंसर दिया वो तीनों गलत है. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम. और असम में ये क्यों नहीं एक्टिविटी कंडक्ट की जाएगी, क्योंकि असम ने ऑलरेडी अपना एनआरसी जो है वो क्रिएट कर लिया है, तो तब ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वाला काम भी हो चुका है, तो उस स्टेट में दोबारा से इसको कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है. इसी वजह से असम विल नॉट पार्टिसिपेट. ठीक है, देख रहे हो कितना ईजी क्वेश्चन है ये, लेकिन यूपीएससी इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो पूछता है आजकल. ठीक है, चलो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो किसी भी राज्य की सीमा जो है उसको बढ़ा या कम या ज्यादा कर सके. ऑप्शन टू, अ बिल पर्टेनिंग टू द ऑल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द राज्यसभा. अगर हमें किसी भी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर करना है तो सिर्फ राज्यसभा में उसका बिल पेश किया जा सकता है, और वो भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे. तो आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है. अगेन फोकस ऑन द टर्म करेक्ट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यू हैव 25 सेकंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, तो सबसे पहले आंसर देख लें इसका क्या है. इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए. तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो, आर्टिकल 3 जो है वो ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो कोई भी नई स्टेट बनाए बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स. ठीक है, मतलब कि एक स्टेट को तोड़कर दो अलग स्टेट बना दे, या दो स्टेट्स को जोड़कर एक नई स्टेट बना दे, किसी स्टेट का एरिया बड़ा कर दे, किसी स्टेट का एरिया छोटा कर दे, बाउंड्रीज ऑल्टर करे, नेम ऑल्टर करे. ये सारा अधिकार किसके पास है? ये सारा अधिकार है पार्लियामेंट के पास. ठीक है, लेकिन आर्टिकल 3 दो कंडीशन भी रखता है. सबसे पहले कि जो बिल है स्टेट की बाउंड्री चेंज करने का या नाम चेंज करने का, वो सिर्फ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. अब पार्लियामेंट का मतलब यह है कि लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है कि राज्यसभा में ही किया जाएगा. इसी वजह से आपकी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत थी. ठीक है, ऐसा स्पेसिफिकली कहीं पर भी नहीं लिखा है संविधान में कि सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में पेश करो, क्योंकि राज्यसभा जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है. तो इसीलिए वो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि भैया स्टेट्स की अगर बाउंड्री ऑल्टर करनी है तो क्या पता राज्यसभा में ही पेश किया जाता हो, पर ऐसा नहीं है. दूसरा, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के ऊपर आता है. ठीक है, प्रेसिडेंट की रिकमेंड, जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है उसके बाद ये पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाता है. अब प्रेसिडेंट के रिकमेंड करने से पहले प्रेसिडेंट जो है वो बिल स्टेट के पास भेजता है. बिल नहीं, मतलब कि एक सलाह भेजता है कि हाँ भाई हम ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं, बताओ तुम क्या कहते हो. तो स्टेट्स के पास एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि भाई हमें इतने टाइम में बता दो कि तुम क्या, तुम्हारी हाँ या ना है. ठीक है, अब स्टेट्स अगर नहीं बताती कि हाँ ना या कुछ रिस्पांस नहीं करती तो वो बिल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अगर स्टेट्स बता देती हैं कि स्टेट कह देती है नो वी डू नॉट वॉन्ट दिस, तो प्रेजिडेंट कहेगा बाबा जी का ठुल्लू, वी डू नॉट केयर, हमने तो फॉर्मेलिटी के लिए तुमसे पूछ लिया था, करो पार्लियामेंट में बिल, तो बेइज्जती हो जाएगी.
ठीक है, तो इसी वजह से स्टेट क्या चाहती है क्या नहीं चाहती उससे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए बस उनसे पूछा जाता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स आजाद भारत में, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर वन क्या कह रहा है, द सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्रा फॉर द तेलुगु पीपल 1953 में आई, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो फेवर में थे लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के आंध्रा प्रोविज मूवमेंट के बाद, तो इसका क्या आंसर होगा। आपका टाइम शुरू होता है अब, 13 सेकेंड्स आर सफिशियंट टू आंसर दिस, जल्दी से आंसर करो, आसान सवाल है। बिल्कुल आसान सवाल है, ओके डन। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लें, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। सेपरेट स्टेट बना था आंध्रा, जब मूवमेंट हुई आंध्रा मूवमेंट हुई, इसमें इन्होंने डिमांड की कि भैया आंध्रा मूवमेंट में इन्होंने डिमांड की कि हमें तेलुगु पीपल के लिए एक अलग से स्टेट बनाकर दो, और काफी लंबा स्ट्रगल चला जिसमें जो लीडर थे उनकी डेथ भी हो गई। वो लीडर कौन थे उसका नाम आप जो है उनका नाम जो आप चैट बॉक्स में बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल फैक्चुअल है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। और 1953 में फिर अल्टीमेटली जो है इनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे फेवर में थे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने शुरू से आजादी के बाद शुरू से उन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन का विरोध किया। उनका ये मानना था कि अगर हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करते हैं तो वो स्टेट्स में जो देश है, देश में एक तरह से बंटवारा जो है लेकर आता है, अलग अलग जो भाषाई लोग हैं उनके बीच में एक डिविजन लेकर आता है। वो हमेशा से इस फेवर में थे कि स्टेट्स जो हैं उनको अगर रीऑर्गेनाइज आपको करना है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रीऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ना कि लिंग्वेज लैंग्वेज रिलीजन या इन सब बेसिस के ऊपर। ओके, सो जवाहरलाल नेहरू वॉज ऑलवेज अगेंस्ट दिस, तो ऑप्शन टू आपका करेक्ट नहीं हो सकता, सो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास्ड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956 टू क्रिएट ए 16 स्टेट्स एंड 3 UTs 15। देखो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, अब आप मतलब कुछ बच्चे तो चैट बॉक्स में गालियां भी देंगे कि सर इतना फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ही आपने तो हद कर दी। भैया हद मैंने नहीं की, हद यूपीएससी ने की हुई है, और यही यूपीएससी को जब हम जज करने की कोशिश करते हैं कि अरे ये सवाल यूपीएससी नहीं पूछेगा, तो वो बच्चे जो जज कर रहे होते हैं यूपीएससी को, वो यूपीएससी से इतना प्यार कर बैठते हैं कि फिर प्रीलिम में जब उन के क्वेश्चन नहीं होते तो वो यूपीएससी के ऑफिस के बाहर जाकर लक्ष्मीकांत को जलाकर आते हैं, जबकि लक्ष्मी ना उसमें लक्ष्मीकांत की गलती होती ना उसमें यूपीएससी की गलती होती, उसमें गलती होती है कि हम सिर्फ चीजों को एग्जाम क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते रहते हैं कि हाँ पिछले साल ऐसा पूछा था, तो पिछले साल अगर ऐसा पूछा था तो 17-18 के पेपर, 19 के पेपर उठा के देखो ऐसे सवाल आए हैं। टाइम शुरू होता है अब, या तो आता है या नहीं आता है, या तो आता है या नहीं आता है, बताओ आंसर। ओके, द राइट आंसर विल बी, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर सी। तो जब आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ उस समय आपकी 14 स्टेट्स और 6 UTs बनाई गई, ठीक है, और इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं है, ये टेबल है टेरिटरी ऑफ इंडिया इन 1956 का, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपका पास हुआ था तो ये 14 स्टेट्स थी और ये 6 UTs थी। हाँ, अब आप ये 14 की 14 स्टेट्स या 6 की 6 UTs याद करने बैठ जाओ वो रिकमेंडेबल नहीं है, पर बेसिक एक आइडिया होना चाहिए था कि कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूटीज। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन ठीक है, अब जिसको नहीं आते वो अपनी तैयारी पर डाउट मत करना कि हाय मैंने तो ये नहीं पढ़ा, गिवन तो ये लक्ष्मीकांत में ही है, नहीं पढ़ पाते, ये चीजें इग्नोर हो जाती हैं, क्योंकि ना तो ये इंटरेस्टिंग होती हैं और ना ये हमें लगता है कि एग्जाम में आएंगी, और इसी वजह से हमारी T20 सीरीज आपके काम आएगी कि जो आपने क्वेश्चन छोड़ दी है, जो आपको लगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये तो कि ये आ ही नहीं सकता, हम वो क्वेश्चन भी आपके सामने ले आएंगे ताकि आपकी रिविजन अच्छी हो जाए, ठीक है, ताकि आपकी रिविजन अच्छी हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है,
इंडियन यूनियन में जब ये स्टेट्स को अलग अलग स्टेटहुड ग्रांट किया तो क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, किसको पहले मिला किसको बाद में? आसान सा सवाल, और टाइम शुरू होता है अब। टेक 28 सेकेंड्स फॉर दिस। 8 हैव ऑलरेडी पास्ड, आंसर इट फास्ट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है आपको, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। चलो चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। ओके, टाइम्स अप, टाइम्स अप। तो आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश 1956 में, ठीक है। उसके बाद आया आपका महाराष्ट्र, जो बॉम्बे जो स्टेट था उसको विभाजन किया गया और दो नए स्टेट्स बनाए गए, जिसमें आपका एक था महाराष्ट्र और एक था गुजरात, ठीक है, जो 1960 में बने। उसके बाद नागालैंड आया आपका 1963 में, एंड लास्ट में वॉज योर हरियाणा, ठीक है, जो आपका पंजाब था। पंजाब के तीन स्टेट्स बनाए गए, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो लास्ट में आपका 1966 में हरियाणा आ गया। सो 1324 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, इजी सवाल था, फैक्चुअल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फैसिलिटेटेड बाय द फैसिलिटेटेड द सीजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ बेरुबारी यूनियन, जो वेस्ट बंगाल में था, टू पाकिस्तान, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर टू, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गेव इफेक्ट टू एक्वायरिंग सर्टेन टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अदर टेरिटरीज टू बांग्लादेश। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और टेरिटरी एक्सचेंज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आंसर कीजिए इसका जल्दी से, टाइम शुरू होता है आपका अब। टेक 28 सेकेंड्स फॉर दिस। ओके, टाइम्स अप। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली, ठीक है। क्योंकि जो आपका पहला स्टेटमेंट है, इसमें 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होना था, ये होना था 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्योंकि 9वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने जो बेरुबारी यूनियन था वो उस समय के ईस्ट पाकिस्तान को दिया था, ठीक है। और आपका स्टेटमेंट नंबर टू इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपका 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2015 में पास किया गया था, जिसमें हमने कॉन्क्लेव एक्सचेंज किए थे बांग्लादेश के साथ। ऑल राइट, सो फैक्चुअल क्वेश्चन है अगेन, या तो आता है या नहीं आता है, दिमाग चलाने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड और देयर बाउंड्रीज ऑल्टर्ड बाय, ठीक है, पार्लियामेंट का अमेंडमेंट प्रोसीजर के ऊपर यहां पर सवाल पूछा गया है कि सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए, टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए और स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेंट चाहिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चाहिए यूनियन गवर्नमेंट का सिर्फ, और साथ के साथ स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न। आसान सवाल है मेरे हिसाब से। टाइम शुरू होता है, 15 सेकेंड बहुत है। चलो आंसर देखें अब इसका। तो आंसर बच्चों इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यूनियन पार्लियामेंट अगर सिंपल मेजोरिटी से बिल पास कर देती है तो आपका जो है रीऑर्गेनाइज कर दिया जा सकता है स्टेट को, ठीक है। देखो, स्टेट से कंसेंट लेने की बात तो मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट हाँ बोले या ना बोले, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए उनसे पूछा जाता है। प्रेसिडेंट बिल भेजने से पहले स्टेट के पास भेजता है फॉर्मेलिटी के लिए, पर उनकी बात सुनता नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। तो सी और डी तो है ही नहीं। रही बात टू थर्ड मेजोरिटी की, तो टू थर्ड मेजोरिटी से भी ये नहीं होता, सिंपल मेजोरिटी से ही ये हो जाता है, एंड इट इज नॉट काउंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसको इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी काउंट नहीं किया जाता, ठीक है, क्लियर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो बच्चों, अब आजकल आखिरी सवाल देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन। हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन। लास्ट में जाने से पहले किसी भी बच्चे को निराश नहीं करना है, इसीलिए बिल्कुल आसान सवाल जो है वो पूछा है कि कौन से शेड्यूल में सारी स्टेट्स के नाम और यूनियन टेरिटरीज के नाम गिवन है।
बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, तो टाइम तो इसके लिए मुझे मेरे ख्याल से देने की जरूरत नहीं है, बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। फिर भी देख लो कि कौन सी जो शेड्यूल है उसमें स्टेट्स और यूटीज के नाम गिवन है। इस तरह के सवाल कई बार पेपर में लेकिन गलत हो जाते हैं, जो ये पेपर आते हैं, और ये सवाल आते हैं यूपीएससी में बच्चों। ये मत सोचना कि इतने आसान सवाल यूपीएससी में आते नहीं, इतने आसान सवाल यूपीएससी में दो कारणों से दिए जाते हैं। एक, जो बिल्कुल नॉन सीरियस बच्चा है उसको हटाने के लिए, दो, वो बच्चे हटाने के लिए जिन्होंने, जो सीरियस तो हैं और जिन्होंने तैयारी भी की है, लेकिन वो एग्जाम प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते, वो एग्जाम प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते, उनको हटाने के लिए। ऑप्शन थ्री, सीरियस एस्पायरेंट्स का संडे जो है वो अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। बाकी पेपर मुश्किल बना दिया, एक आधे ऐसे क्वेश्चन डाल दिए तो ठीक है, लगता है कि हाँ यार संडे खराब नहीं हुआ। संडे खराब ही होता है, पूरा सुबह से शाम तक तो पेपर दे रहे होते हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट शेड्यूल में सारी बातें लिखी गई हैं। ओके चलो, तो ठीक है बच्चों, ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी के। बाकी अब चैट बॉक्स के बाद भी अब जिसकी क्वेरीज नहीं सॉल्व हुई हैं वो कमेंट में भी लिख सकता है, ठीक है। कमेंट में भी बता सकता है कि उसकी कोई प्रॉब्लम थी या कोई टीचर की बात पसंद नहीं आई। गालियां देने के अलावा, अभद्र गंदी गालियां देने के अलावा, आप खुल के क्रिटिसाइज कर सकते हो, बहुत बेकार पढ़ाता है, बहुत घटिया पढ़ाता है, कुछ नॉलेज नहीं है, सब लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और सेकेंडली, माइक्रो कोर्सेस, माइक्रो कोर्सेस हमारे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप कल्चर पढ़ना चाहते हो और कल्चर में भी आप स्पेसिफिकली सिर्फ डांस का टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो वो आप सिर्फ डांस का टॉपिक परचेज कर सकते हो, 100 रुपये 200 रुपये ऐसे आप परचेज कर लोगे और इजीली पढ़ लोगे, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। सो आई होप आपकी सबकी जो है आज के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क। तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट एंड आई टेक योर लीव नाउ, बाय बाय। और एक बात रुको, भूल गया, कोरोना चल रहा है, ठीक है। ज्यादा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, वो अभी अपने आप को आईएएस नहीं समझेंगे, वो अपने आप को आईएएस नहीं समझेंगे, और पूरा पूरा दिन जो है सरकार ने ये किया, इसके ये पॉजिटिव, इसके ये नेगेटिव, पॉलिटिकल पॉइंट जो है साइड्स लेना कि हाँ हो जाता है ऐसे, ऐसे कर देना चाहिए था, ऐसे कर देना चाहिए था। तो सीधी सी बात है, तुम आईएएस अभी नहीं हो, और अगर चाहते हो कि किसी दिन ये वाली चीजें जो है तुम फैसला लो, डीसी बनो कि हाँ मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है कर्फ्यू लगाना है या नहीं लगाना है, मेरे डिस्ट्रिक्ट की राशन की दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी कोरोना लॉकडाउन में, मेरे डिस्ट्रिक्ट की जो है केमिस्ट की शॉप्स खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, या होम डिलीवरी होगी, अगर इस तरह के फैसले खुद लेना चाहते हो आज, तो आज ये सब बातों पर जो है मिट्टी डालो। आज सिर्फ अपनी पढ़ाई करो, मोटा मोटा देख लिया करो, न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो सुबह कि सरकार ने क्या क्या किया, पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया, ज्यादा मंत्री बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, और सेहत का ख्याल रखना, बाहर कूदना उछलना मत, तो आईएएस तो क्या बनना था, ऊपर चले जाओगे तो कुछ नहीं बन पाओगे, ठीक है। सो बाय बाय।